तो इंटीग्रल्स का एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर 17 है। 0 से पाई बाई 4 और ब्रैकेट में लिखा है 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका इंटीग्रल निकाल लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और sec स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan x, और इसका एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या होगा, प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4, और यहाँ प्लस 2 है और इसका इंटीग्रल क्या होगा, 2x। ये हो गया हमारा इंटीग्रल, ठीक है। यहाँ हम लोग 0 से पाई बाई 4 तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए वाला फॉर्मूला ऐसे हम लोग करते हैं ना, एफ ऑफ एक्स 0 से पाई बाई 4 तक इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ पाई बाई 4 माइनस एफ ऑफ 0, ठीक है, यही लिखेंगे ना। तो इसी बेस पे हम लोग ये लिख करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर वहाँ पाई बाई 4 लिखेंगे। तो 2 tan π/4 प्लस यहाँ पर पाई बाई 4। अब हम लोग क्या करते हैं कि 1/4 क्या कहते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर इंटू 1/4 कॉमन ले लिया, ठीक है, और इसकी पावर 4 है, ये मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है, कॉमन, और प्लस 2 into π/4 ये हो गया पहले हम लोग। और यहाँ पर क्या कहते हैं, 0 है, तो अगर हम लोग क्या कहते हैं माइनस लगाएंगे यहाँ पर, अगर 0 पुट करेंगे एक्स की जगह पर तो ये पूरा 0, और यहाँ पर लिखेंगे तो ये भी पूरा 0, और यहाँ पर लगाएंगे तो ये भी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 into, और 10π/4 की वैल्यू होती है 1, वन लिख दिया, और प्लस यहाँ पर क्या कहते हैं 4, यहाँ पर क्या कहते हैं अलग पावर 4 कर लिया, और यहाँ पर 4 की पावर 4 कर लिया, इंटू में 1/4। अब यहाँ पर देखिए जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पर 4 की पावर 4 है और यहाँ पर 4 की पावर 1 है, तो ये ऐड हो जाएगी तो क्या होगा, 4 की पावर 5, ठीक है, ऐसे करेंगे तो प्लस, और यहाँ पर 2 यहाँ पर कट जाएगा 1 2 2 2 4, यानी यहाँ पर आ गया π/4, ठीक है। और अब यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 plus π/4, और यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, तो यहाँ पर आ गया 4 की पावर 5 और प्लस 5/4, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ओके।